तो आप ये पिक देख करके तो आराम से समझ सकते हो कि ये कौन सी पिक्चर है। ठीक है, तो ये पिक्चर है बच्चों गुलाब की। किसकी पिक्चर है? गुलाब की। अब आपको देखना तो आ रहा है, आप समझ तो रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो इस पिक्चर को, बट लिखोगे कैसे? तो इसको लिखना भी तो जानना है। तो कैसे लिखा जाता है गुलाब? तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर ग है, बगल में क्या है प्लस, फिर ऊ का साइन है, फिर प्लस ल, प्लस आ का मात्रा, प्लस वा। अब आपको क्या करना है, जहां जहां प्लस है वो आपको नहीं लिखनी है। क्या लिखना है? बस आपके अक्षर और मात्रा आपको लेनी है। तो पहले आपने क्या लिखा है, ये ग दिखाई दे रहा बच्चों, ये ग आपने लिया, यहां लिख दिया। फिर उसके बाद ऊ की मात्रा, तो आपको बगल में ऊ की मात्रा नहीं लगानी है बल्कि ग के नीचे में लगानी है, जैसे आपने सीखा है। तो आपने ग लिखा, फिर ग के नीचे में ऊ की मात्रा लगा दिया। ठीक, फिर ये ला उतारा आपने, फिर ये क्या है आ का मात्रा। ठीक, लास्ट में ब, और ऊपर से स्लिपिंग लाइन देकर के आपने उसको कंप्लीट एक वर्ड बना दिया है। तो क्या बन गया? गुलाब। अब लग रही है ना कि गुलाब की फोटो? यस, गुलाब की फोटो तो है, बट आपने उसका नाम भी लिखना सीख लिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूं, ये देखिए, ये क्या है? ये भी है ऊ, छोटी ऊ की मात्रा का ज्ञान। अब यहां पर आप दिखाई दे रहा है मां है, ठीक है, प्लस छोटी ऊ, प्लस ये क्या है ना, प्लस और क्या है बड़ी का साइन। तो इसको आप देख करके क्या कहोगे? साधु भी बोल सकते हो, ठीक है, और मुनि भी बोल सकते हो। तो इस पिक्चर में क्या दिया है बच्चों? मुनि। ठीक है, आप साधु भी बोल सकते हो। तो कैसे लिखना है इसको? मां को पहले यहां लिखना है, उसके नीचे में ये ऊ का साइन यहां लगानी है, ना लिखनी है, फिर बड़ी का साइन, और ऊपर से लास्ट में स्लिपिंग लाइन देकर के एक वर्ड को कंप्लीट करनी है। तो क्या हो गया बच्चों? ये मुनि दिखाई दे रहा है, मुनि। यस, तो इसी तरह से बच्चों आपको क्या करना है, और बहुत सारे नए नए वर्ड जो आपके बुक में ही है, सहज हिंदी रचना की जो आपकी प्रवेश की बुक है उसमें, और भाषा माधुरी बुक में, ठीक है, ये दोनों बुक मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये सहज हिंदी रचना की बुक है, ठीक है बच्चों, और ये किसकी बुक है? भाषा माधुरी की बुक। ठीक, तो इन दोनों बुक से रिलेटेड ही आपको जो ऊ की मात्रा है आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग कैसे लिखना है इसको लिखते हैं।
यहाँ क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या दिया है, छोटी ऊ और छोटी ऊ का मात्रा, ठीक है। एज यूजुअल बच्चों आपको हमेशा की तरह कॉर्नर साइड में आपको रेट लगानी है, 3W 6 8 2 1 21। आज की डेट है आपके 6 एक मंथ है यानी कि अगस्त का, और 2 1 21 यानी कि ईयर है जो आपकी गोइंग ऑन इतनी चल रहा है दिस ईयर, ओके। तो इसीलिए 6 8 21 क्या है ये जोड़कर लिखो, तो जोड़कर लिखने में क्या है, ऊपर में मैंने बता दिया है ऊ की मात्रा है, ऊ है छोटी। फर्स्ट नंबर में आप देख सकते हो बच्चों यहाँ द है प्लस क्या है छोटी ऊ प्लस अड़ा, ये अंगा नहीं है, अंगा में बच्चों बगल में होता है तो अंगा का कभी यूज नहीं होता, ये अन्य वर्ण में जो आपकी अड़ा है वो है प्लस या। तो अब आप उसको लिखना शुरू करो, तो ये ग पहले आप यहां पर लिख लो गा। तो आपको दोनों हाथ का यूज करना है, यूज बोथ हैंड, ओके। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड यू कैन यूज एंड कीप ऑन दिस लेटर, ठीक है। आपको लेटर के ऊपर में यहाँ पर आपको रखनी है और राइट हैंड से क्या करना है आपको लिखनी है। तो मैंने ग लिख दी यहाँ पर, प्लस आपको नहीं लिखना है फिर ऊ की मात्रा कहाँ जाएगी, ग के नीचे, ठीक है। ग के नीचे दिखाई दिया तो क्या ये री, तो री की मात्रा को आपको इस तरह से लिखनी है और नीचे में डॉट लगानी है, दिखाई दिया तो क्या है क्या, तो क्या हो गया बच्चों कंप्लीट गुड़िया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है आपके क, आप क लिख लो, ठीक। फिर क्या है ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा आपकी कहाँ लगेगी, यस बच्चों क के नीचे में, ये नहीं कि बगल में लगा देना, आपको कहाँ लगाना है क के जस्ट नीचे में आपको ऊ की मात्रा लगानी है। फिर क्या बच्चों ग्री, अब क्या है सा पे बड़ी की, तो सा पे बड़ी की, अब पढ़ के देखो ये क्या हो गया बच्चों, का पे छोटी ऊ र सी कुर्सी, पहला क्या था गुड़िया, अब क्या है कू र सी कुर्सी, ओके। थर्ड वर्ण है आपका ग, फिर आप लिखो ग, यहां पर क्या है ऊ की मात्रा, फिर ला में आ का लिखा हुआ है ला में आ, फिर क्या है बच्चों लास्ट में यहां ब, क्या हो गया आप इसको लिख करो गु, काफी हुए तो गु, मुंह खोलो ला ब, स्टॉप, गुलाब, गुलाब यानी कि रोज, जो भी आपने देखा है फ्लैश कार्ड में। नेक्स्ट वर्ण है आपका फोर्थ नंबर है सा ब उ न, तो कैसे हो जाएगा आप यहां लिखो सा ब, उसके बाद क्या था उ का साइन, फिर ना, क्या हो गया बच्चों साबुन। नेक्स्ट वर्ण है आपका फाइव नंबर मा ऊ ना पे छोटी, तो लिखो मा छोटी ऊ का साइन नीचे में फिर नी, तो क्या हो गया बच्चों पढ़ के देखो मा पे हुए तो मुंह और नी, तो फास्ट बोलना है क्योंकि छोटी ही है तो मुनी, ठीक है, जो भी आपने देखा है, ठीक है मुनि। अब क्या है बच्चों ये है पुल प, उसमें छोटी ऊ की मात्रा और ल, क्या हो गया पुल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है आपका सा ध उ, क्या हो जाएगा सा ध और ऊ की मात्रा कहां लगेगी धा पे लगेगी, तो इसको लिख करके देखो सा धु, ठीक है साधु। ऐसे ही लास्ट वर्ण क्या लिखना पड़ेगा ब ग उ ल, तो क्या होगा ब ग, ग के नीचे क्या ऊ का साइन है ऊ, और क्या बच्चो ला में आ का मात्रा, तो क्या हो गया इस तरह से बबूला, ठीक है। इसको मैं लिख करके बता दे रही हूं बच्चों आपको, ये क्या है गुड़िया कुर्सी गापे ऊ ना में आ का मात्रा बाबूला, सा में आ का मात्रा बापे ऊ का मात्रा ना साबुन, मां पे छोटी ऊ ना पे छोटी मुनी,
पा पे छोटा हो ला पुल, सा में आ का मात्रा धा में छोटी उ का मात्रा साधु, लास्ट वन क्या आपका ब, गा पे छोटी उ की मात्रा ला में आ का मात्रा बबूला। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लो, इसके आगे और है। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लो अच्छी तरह से, अगर आपके पास नीचे प्लेस है तो आप कंटिन्यू लिखो, अगर आपके पास प्लेस नहीं है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको कर देती हूँ इरेज। ठीक है बच्चों, मैंने इरेज करके लिख लिया है। ठीक है, तो आप भी क्या करो, अगर आपके पास नीचे प्लेस है तो आप कंटिन्यू लिखो, अगर आपके पास प्लेस नहीं है तो आप क्या करो, नेक्स्ट पेज यानी कि दूसरे पेज में आपको लिखनी है। ठीक है, तो नाइन नंबर है बच्चों बा, ऊ का मात्रा ला, बा ऊ का मात्रा ला, तो जैसे जैसे लिखिए आप वैसे लिखो बा, ठीक, फिर ऊ का मात्रा है, मैंने ऊ का मात्रा लिखा फिर ला, फिर बा, फिर ऊ का मात्रा, फिर ला। अब इसको रीड करो बच्चों, ये क्या है, बूला बुल, बूला बुल यानी कि बुलबुल, क्या हो गया बच्चों, बुलबुल। ठीक है, टेन नंबर ऐसे आपके यहाँ पर धा लिखनी है, हो गया धा, फिर हो गया आपका ना, ऊ का मात्रा और श, क्या हो गया, धनुष, धा नू श, ना है तो इसमें ऊ का मात्रा, तो बच्चों आपको नू ही बोलना पड़ेगा, तो धनुष। ठीक है बच्चों, इसी तरह से क्या है, आगे नंबर के का छ, ऊ का मात्रा और आ, क्या हो गया बच्चों, कछुआ, क्या हो गया बच्चों, कछुआ। ठीक है, तो ये का छु आ कछुआ। लास्ट वर्ड है आपका स, ठीक है, फिर ऊ का मात्रा लगी है तो आपको बगल में लिखनी है, उसी के नीचे में लिखनी है। ठीक है, फिर दा, फिर हाफे बड़ी का साइन, तो क्या हो गया, आप रीड करो, सु मुखड़ो रा और ही लंबा क्योंकि बड़ी है सुराही। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, जोड़ कर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आपको एक बार मैं इसको रीड करके दिखा देती हूँ, ये क्या है, ये है बुल बुल, बापे छोटी की मात्रा ला, बापे छोटी की मात्रा ला बुल बुल, धा नापे छोटी की मात्रा श धनुष, का छापे छोटी की मात्रा आ कछुआ, सा छोटी की मात्रा रा में आ का मात्रा, हा में ई का मात्रा सुराही। तो बच्चों आप आज सिर्फ जोड़कर लिखना सीखे हो। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, जो आपने जोड़कर कैसे लिखा है हम लोग पिक्चर्स की हेल्प से सीखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत सारे इसमें नाम पहली बार आप सुने हो, जैसे सुराही कछुआ तो आप जानते हो, बुलबुल बर्ड है, धनुष आप जानते हो तीर धनुष, ठीक है, कछुआ आप जानते हो। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे जो कि आपको नहीं आता है। ठीक है ना बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, कल जब हम लोग संज्ञान पढ़ेंगे यानी कि इसी से रिलेटेड, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चित्रों के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, फिर आपकी बुक में भी बनी हुई है, तो मैं कल आपको बुक भी बताऊंगी कि कैसे उस चैप्टर में लिखा हुआ है विद पिक्चर। ठीक है, तो आपको एक बार मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि जो आपकी ये ऊ का मात्रा है ये वाली, ठीक है, तो इसको आप मेरे बगल में देख सकते हो कि ऊ की मात्रा में क्या है, आपका फर्स्ट में क्या है, पुल की फोटो बनी हुई है, दिखाई दे रहा है बच्चों, फर्स्ट क्या है, पुल की फोटो बनी हुई है। सेकेंड क्या है बगल में बच्चों, साधु की फोटो बनी है ना, तो साधु की फोटो आप देख सकते हो, उसके नीचे भी लिखा भी है अलग सा, फिर धामे ऊ का मात्रा। ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट वन आप देख सकते हो साबुन की फोटो है, किसकी फोटो है बच्चों, साबुन की फोटो है, साबुन के बगल में क्या है आपको, गुलाब की फोटो है, आप बगल में देख सकते हो क्या है, गुलाब की फोटो। ठीक है, नीचे में आप देख सकते हो गुलाब के नीचे में क्या है, बगुला की फोटो, क्या है बच्चों, बगुला की फोटो दिखाई दे रहा है, और लास्ट में यानी कि कॉर्नर साइड में आपको क्या है, बुलबुल की फोटो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ये है आपका बुलबुल।
तो इसी से रिलेटेड आप बुक में भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। यहां पर मैं आपको दिखा दे रही हूं एक बार, ये है पुल, वहां पे छोटी उ की मात्रा, यहाँ पे ला, इसको कैसे लिखते हैं पुल। ये क्या है सा, धा पे छोटी उ की मात्रा, साधु, मैंने बोला ना इसको साधु भी बोल सकते हैं, मुनि भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है सा, धा पे छोटी उ की मात्रा, ना, साबुन, तो ये जो आप साबुन यूज करते हो ना नहाने के लिए, ठीक है। ये क्या है गुलाब, गा पे छोटी उ की मात्रा, ला में आ का मात्रा, बा, गुलाब, ठीक है। ये क्या है बच्चों, बा गा उ की मात्रा, ला, बबूला, ठीक है, बा गा पे उ की मात्रा, ला, बबूला। तो दिखाई दे रहा है बबूला कैसे दिखते हैं, ये है बच्चों आपका बुलबुल यानी कि बर्ड, बा उ की मात्रा, ला, बा उ की मात्रा, ला, बुलबुल, तो ये है बच्चों आपके बुलबुल, ठीक है। तो मैंने ये जितने भी आपको लिखाए हैं वर्ड आपके जो जोड़कर, ये आपके बुक से ही है, ठीक है, अलग से कोई भी नहीं लिखा है, इसलिए आप भी अलग से मत लिखना, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब ज्ञान के साथ, किसके साथ, यस आपके अपनी नैन्सी मैम के साथ। तो ओके बच्चों, सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है, ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।